हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन और फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ी बातें करी थी और कहा था इनके शेप और हाइब्रिडाइजेशन पर अगले क्लास में। तो बस फिर से आ गए हैं हम एक कार्बोकेटायन बना लेते हैं। हमने ये वाला कार्बोकेटायन बना लिया, सिंपलेस्ट पॉसिबल, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं ला रहे हैं। इसी तरह से एक फ्री रेडिकल बना लेते हैं, सिंपलेस्ट पॉसिबल, हाइड्रोजन 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 लगाया है, और एक कार्बेनायन बना लेते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर लोन पेयर भी होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बेनायन एंड मिथाइल फ्री रेडिकल, इनका शेप कैसा 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 होगा। तो यहाँ पर देखो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, और तीनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये तीनों मिलकर के ट्राइगोनल प्लेनर शेप अडॉप्ट करेंगे, रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर भागेंगे, और दूर भागने की वजह से ये तीनों एक दूसरे से 120 और 120 डिग्री के एंगल पर, जैसे हमारे घरों में पंखे का ब्लेड होता है, कुछ वैसा शेप अडॉप्ट कर लेंगे, और इसी को कहोगे ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बोकेटायन प्लेनर होते हैं, कार्बन के अराउंड ये तीनों ग्रुप्स एक ही प्लेन में लगे रहते हैं। फिर ये फ्री रेडिकल को देखोगे, ये भी वैसा ही है, दो इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन यहां, इनके बीच में रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन की वजह से ये भी ट्राइगोनल प्लेनर शेप अडॉप्ट करेंगे। और ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल बचा रहता है, ये इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया। ये क्या चक्कर है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। फिलहाल जैसा शेप इसका है वैसा ही शेप इसका भी है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर। तुम कह सकते हो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्सन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, अपने आप में गहरा प्रश्न है। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों के बीच में रिपल्सन हुआ, और तीनों जो है ट्राइगोनल प्लेनर वे में, जैसे यहां पर था वैसे यहां पर हो गया 120 120 120, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्सन में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहां पर आओगे, ये एक दो तीन, दो इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन यहां, और दो इलेक्ट्रॉन यहां भी है, चारों के बीच में रिपल्सन होगा। और जब चारों के बीच में रिपल्सन होता है तो तुम जानते हो शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो इसका शेप जो है कुछ कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का बनाने की कोशिश करोगे। दो बॉन्ड्स ऐसे प्लेन में हो गए, एक प्लेन से बाहर एक प्लेन से अंदर, तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पर कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो बॉन्ड हटा करके लोन पेयर लगा दे, नेगेटिव चार्ज बना दे, तो इसका शेप इस तरह से, मतलब ये तीनों जो है इस तरह से नीचे की तरफ झुके हुए, यहाँ तीनों बिल्कुल एक ही प्लेन में है, ये तीनों तीनों हाइड्रोजन बिल्कुल एक ही प्लेन में है, यहाँ पर ये तीनों हाइड्रोजन बिल्कुल एक ही प्लेन में है, और यहाँ पर क्या है, तीनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ ऐसे जो है इस तरह से झुके हुए हैं। तो अगर इस लोन पेयर को इग्नोर करे, सिर्फ कार्बन और तीन हाइड्रोजन को मिलाकर के शेप बनाने की कोशिश करें, तो पिरामिडल शेप, केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी बातें हमने बड़ी डिटेल में करी है। तो अगर तुम्हें शेप वगैरह में कोई मुश्किल आती है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक, ओके। तो इस तरह से इन तीनों का शेप, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जैसे अगर हम CH3 की बात करें, CH3 में क्या है, कार्बन एक हाइड्रोजन, मतलब CH3 कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं हम लोग, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री का, ये बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री का, ये बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री का। तो तुम समझते ही हो कि अगर यहां पर बॉन्ड बना है तो यहां पर एक ऑर्बिटल होना चाहिए कार्बन के पास, जो कि हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। इधर बॉन्ड बना है तो इधर एक ऑर्बिटल होना चाहिए कार्बन के पास, जो कि फिर से हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। और इधर बॉन्ड बना है तो फिर से एक ऑर्बिटल होना चाहिए कार्बन के पास, जो कि हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तो ये तीन बॉन्ड्स तीन डायरेक्शन में, जैसा 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 बॉन्ड का डायरेक्शन वैसा वैसा ऑर्बिटल का डायरेक्शन जरूर होना चाहिए, नहीं तो बात बनेगी नहीं। हम लोग जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो तुम देखोगे कि कार्बन के पास 2s और 2p, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम सिंपल वाला पहले लिखते हैं, छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो और चार, पहला सेल और दूसरा सेल sp(d(f) वे में लिख दें तो 1s2, 2s2, 2p2, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये रहे, और ये चार इलेक्ट्रॉन जो है ये रहे, हमें
इन इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों से कोई मतलब है नहीं, हमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों से मतलब है, मतलब 2s और 2p से मतलब है। 2s और 2p का डायग्राम बनाओगे तो 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2p में तीन ऑर्बिटल होते हैं। इनको तुम कहते हो px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल। हम ये भी जानते हैं कि s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल बॉल के जैसा होता है। px, py, pz कैसे होते हैं? डंबल के जैसे। अगर हम एक क्यूब बना ले, पहले एक क्यूब बना ले और क्यूब के एक कॉर्नर पर तीनों लाइंस को एक्सटेंड कर दे, कह दे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो px जो है ऐसे x एक्सिस पर ये रहा, py जो है वो y एक्सिस पर ऐसे ये रहा, pz जो है वो इस तरह से ये रहा। और इन चारों ऑर्बिटल्स को अगर हम देखें, ये ऑर्बिटल भी इसी जगह अगर बना दे तो हम कह देंगे ये देखो इसी में ऐसा ऑर्बिटल भी हो गया। ये कार्बन का सेंटर और सेंटर के चारों तरफ ये चार ऑर्बिटल्स, गोला वाला एस ऑर्बिटल, ये एक्स एक्सिस पर पी एक्स ऑर्बिटल, वाई एक्सिस पर पी वाई ऑर्बिटल, जेड एक्सिस पर पी जेड ऑर्बिटल। इन चारों ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल कहीं तुमको 120 डिग्री दिखाई पड़ रहा है? आंसर है नहीं। अगर बहुत ध्यान से देखें तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है 90 डिग्री का एंगल, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 90 डिग्री का एंगल, कोई भी दो एक्सिस पकड़ दो तो 90 डिग्री का ही एंगल तुम्हें देखने को मिलेगा। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं है, यहां पर 120 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब जो ये ऑर्बिटल्स है और जो ये ऑर्बिटल्स है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स है, दोनों सेम ऑर्बिटल्स नहीं है। कार्बन के ये वाले ऑर्बिटल्स यहां पर काम नहीं आ रहे हैं, ठीक। इसको हम नीचे उठाते हैं, नीचे उठा के लाते हैं, बार बार हमें ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो मिथाइल कार्बो कैटायन में कार्बन पर प्लस का चार्ज भी है, वो हम बना देते हैं, यहां भी बना देते हैं और यहां भी बना देते हैं ना। तो ये जो ऑर्बिटल्स दिखाई पड़ रहे हैं कि एस ऑर्बिटल गोला गोला है, पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर, पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस पर, पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर, इन ऑर्बिटल से यहां पर काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल 120 है, जबकि यहां पर ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि पुराने ऑर्बिटल्स मिलकर के नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे, तीन पुराने ऑर्बिटल्स मिलकर के तीन नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे। कौन कौन से तीन पुराने ऑर्बिटल्स? एस ऑर्बिटल है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। तो हम कह देते चलो इन तीन ऑर्बिटल्स ने मिल करके तीन नए ऑर्बिटल्स बना लिए, ठीक, तीन नए ऑर्बिटल्स बना लिए। और ये तीन नए ऑर्बिटल्स कैसे रहेंगे? ये रहा कार्बन, एक ऑर्बिटल इधर हो गया ऐसे, ठीक, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ये ऐसे बनाते हैं ना, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। जब ऑर्बिटल प्योर रहता है तो बराबर लोब, जैसे पीएक्स बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, एक्स एक्सिस पर इधर भी जितना बड़ा उधर भी उतना ही बड़ा बनाते हैं। तो ये प्योर है और ये हाइब्रिड है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल ऐसा बनता है कि एक लोब बड़ा एक लोब छोटा और बॉन्ड इधर से बनेगा, इससे कुछ करना नहीं है। तो तीन पुराने ऑर्बिटल्स मिलकर तीन नए ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर और एक ऑर्बिटल इधर, ये तीनों के बीच में बिल्कुल वही एंगल होगा, तीनों में बराबर बराबर रिपल्सन होगा और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर फिट हो जाएंगे। फिर एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, तो एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल जो बचा हुआ है वो कहाँ गया भाई? तो ये तीनों तो एक ही प्लेन में रहेंगे सब कुछ। जो बचा हुआ ऑर्बिटल है, एक बचा हुआ ऑर्बिटल है ना, उसका उसमें दोनों दो लोब्स होंगे, दोनों बराबर बराबर होंगे, एक लोब प्लेन से ऊपर और एक लोब प्लेन से नीचे। तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो इस तरह से प्लस का चार्ज कार्बन पर। तो कार्बो कटायन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? एक एस और दो पी, तो तुम कहते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद एक ऑर्बिटल प्योर बच जाएगा। तो तीन ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद 120, 120 और 120 पर एक ऑर्बिटल प्योर जिसका एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे, ये ऐसे पड़ा रहेगा, बाद में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। फ्री रेडिकल देखोगे, मिथाइल फ्री रेडिकल देखोगे, तो कार्बन एक दो तीन बॉन्ड्स 120, 120 और 120 पर, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जब हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो बिल्कुल इसी के जैसा रहेगा, बस अंतर क्या होगा, यहां से इसकी एक कॉपी पहले बना लेते हैं। अंतर क्या होगा? ये बॉन्ड यहां पर एक्सप्लेन होता है, ये बॉन्ड यहां पर एक्सप्लेन होता है और ये बॉन्ड यहां पर एक्सप्लेन हो रहा है,
और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर घुस के रहेगा, तो इस बार ये वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं रहेगा, ठीक ओके, हाफ फिल्ड, मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है किसी ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन होता है तो कहते हैं पूरा भरा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन है तो कहते हैं आधा भरा हुआ है ना, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड प्योर पी ऑर्बिटल, कहां पर, ये ग्रीन वाला हाफ फिल्ड प्योर पी ऑर्बिटल। तो इसका शेप प्लेनर है और हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2 है, और एक ऑर्बिटल प्योर बचा हुआ है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। कार्बन आयन की बात करें तो कार्बन आयन में क्या है, ये इधर लोन पेयर है और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, एक ऑर्बिटल चाहिए, एक ऑर्बिटल चाहिए इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, एक ऑर्बिटल चाहिए इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, एक ऑर्बिटल चाहिए इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और एक ऑर्बिटल चाहिए लोन पेयर को रखने के लिए, ठीक। और इन चारों ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल देखोगे तो जो आइडियल टेट्राहेड्रॉन होता है उसमें, मतलब आइडियल टेट्राहेड्रॉन जैसे अपने पास मिथेन रहे, मिथेन रहे बिल्कुल चारों बॉन्ड्स एक जैसे रहे, चारों बॉन्ड्स में कोई अंतर न रहे, चारों तरफ CH4 मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दे CH4 हो जाएगा, तो कोई भी बॉन्ड एंगल ले लो, ये वाला बॉन्ड एंगल नाप लो, चाहे ये वाला बॉन्ड एंगल नाप लो, चाहे ये वाला बॉन्ड एंगल नाप लो, चाहे ये वाला बॉन्ड एंगल नाप लो, जो भी बॉन्ड एंगल नापोगे हर जगह 109.5 डिग्री तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अब यहां क्या है, तीन तो हाइड्रोजन और एक लोन पेयर है, लोन पेयर थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा रिपल्सन करता है, लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन करता है, ज्यादा रिपल्सन करेगा तो ये तीनों थोड़ा नीचे मुड़ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे 109 की जगह में भी 108 या 107 कुछ ऐसा हो जाए, तो यहां पर जो इनके बीच का एंगल है थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बराबर 109 ना होकर के 108 या 107 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन करता है। हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो चार ऑर्बिटल्स बनाने हैं, तो एस ऑर्बिटल पीएक्स पीवाई पीजेड चारों मिलकर के चार नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और ये वही चार नए ऑर्बिटल्स हैं, और इन चारों से मिलकर के चार नए ऑर्बिटल्स बने हैं, तो तुम कहोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ध्यान रखना लोन पेयर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो अगर हम पीछे से एक बार फिर से कंपैरिजन करते चले आए तो कार्बोकैटायन में तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्योर ऑर्बिटल, फ्री रेडिकल में तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो प्योर ऑर्बिटल में, और कार्बन आयन में आ जाए तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल और चौथा भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए चार ऑर्बिटल्स चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और शेप जो है टेट्राहेड्रल टाइप का होता, लेकिन ये लोन पेयर आने की वजह से शेप कैसा है इसका, पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक। तो इस तरह से कभी कभी हमको इन सब चीजों की जरूरत पड़ जाती है कि कार्बोकैटायन का शेप कैसा है, फ्री रेडिकल का शेप कैसा है, कार्बन आयन का शेप कैसा है। अब आगे रिएक्शन में जरूरत पड़ेगी तुम्हें पता ही नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग बात कैसे करेंगे, इसीलिए थोड़ी सी बातें हमने इस क्लास में कार्बोकैटायन कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स के शेप और हाइब्रिडाइजेशन की, जिसकी हम लोग आगे के क्लास में जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्लास में हमारी तरफ से फिर से इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तो बातें और भी होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।